हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म गाइस। आप सभी का स्वागत है और मैं आयुषी आज आपके सामने आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके, जिसमें मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या तरीका है जो आपको हेल्प कर सकता है। एक हैक डिस्कस करूंगी बेसिकली, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी अपने एग्जामिनेशन क्लियर करने में और JRF क्रैक करने में, और वो भी ऑल इंडिया रैंक के साथ। तो आप भी अपना ये जो ड्रीम है इसको पूरा कर सकते हैं कम एफर्ट्स के साथ। कैसे आप JRF क्रैक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने आ जाई हूँ। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बात करते हैं कि किस तरीके से अब हमें प्रिपेयर करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि लास्ट का टाइम है, हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ भी जुड़े थे JRF अड्डा पे, और सभी ने हमने मिलकर तैयारी की Paper 1 एंड Paper 2 की। अब हमने तैयारी कर ली है। अब ये जो लास्ट का समय है ना, ये जो टाइम पीरियड होता है 10-12 दिन का समय, ये आपका डिसाइड करवाएगा कि आप पेपर में जाके कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। तो कैसा आप परफॉर्म करोगे, इसके लिए तैयारी तो अभी से करनी होगी। तो तैयारी कैसे करनी है, तैयारी कितनी सॉलिड होनी चाहिए, कितनी अच्छे से होनी चाहिए, वो चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो, हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल वे में पढ़ते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा, मतलब MCQs होंगे। ठीक है, MCQs आपको मिलने वाले हैं, 150 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको 3 आवर्स में उनको कंप्लीट कर देना है, और 3 आवर्स के समय में Paper 1 Paper 2 कंप्लीट करना होगा। तो ये जो सिनेरियो रहेगा उस दिन जब आपका एग्जामिनेशन होगा, तो उस दिन के लिए अभी से हमें प्रिपेयर करना है। और अगर अभी से आपको प्रिपेयर करना है तो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए जो तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, जो तरीका आप वहां पे यूज करोगे, तो तैयारी तो उसी तरीके से करोगे ना। जो आपको फाइट करना है जिस दिन, उस तरीके से ही आपको अपने आप को तैयार करना होगा। तो ये जो 10-12 दिन है, ये उसी दिन टाइम पीरियड की तैयारी हमें करनी है जब आप एक्चुअल में अपना एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और वो इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का है, वो इंपॉर्टेंट रोल है मॉक टेस्ट का। आप मॉक टेस्ट कैसे लगा रहे हो, क्या आप PDF से 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, या आप कंप्लीट 150 क्वेश्चंस लगा रहे हो 1 go में, और जहां पे आपके पास सेम वही एनवायरनमेंट क्रिएटेड होगा जो आपको पेपर में मिलने वाला है, मतलब CBT मोड में आप अपना जो मॉक टेस्ट है वो दे रहे हो, और सेम उसी तरीके का इंटरफेस आपको मिलता है जो आपको पेपर में मिलने वाला है। तो सेम अगर वही तरीके का इंटरफेस मिलता है तो ही आपको वहां पे हेल्प हो सकती है। तो उसी चीज के बारे में डिस्कशन रहेगी। एक हैक जो मुझे ये हेल्प किया था कि कैसे कम एफर्ट्स के साथ मैं ज्यादा स्कोर कर पाई थी। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो बहुत सारे क्या करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, डेली 500-500 क्वेश्चंस लगा लेते हैं, स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्रैक JRF। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस तो वो बहुत कर रहे हैं, क्वेश्चंस तो उन्होंने बहुत लगाए, बट जो एनवायरनमेंट था ना वो 3 आवर्स वाला और 150 क्वेश्चंस वाला, जहां पे Paper 1 और Paper 2 एक गो में आप कर रहे थे, वो आपने तैयारी नहीं की। तो अगर आप भी उनमें से अभी भी एक है, ऐसे हैं जो अभी भी मॉक टेस्ट इस तरीके से नहीं दे रहे हो और कहीं ना कहीं कमी रह रही है, तो आपको इस तरीके पे काम करने की जरूरत है। अगर आप PDF से क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छी बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, बट इतने सारे क्वेश्चंस आप सिर्फ उसी तरीके से कर रहे हो और 150 क्वेश्चंस से तरीके से आप कर ही नहीं रहे हो प्रैक्टिस, तो वो चीजें वहां पे डिफरेंशिएट करेंगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इन चीजों से बचना है, डेली ये ट्राई करनी है और इंश्योर करना है कि आप एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, और वो जो मॉक टेस्ट लगाया जाएगा देन उसको एनालाइज भी किया जाएगा नेक्स्ट डे कि कहाँ कहाँ आप गलतियां कर रहे हो। तो अब लास्ट टाइम पे क्या क्या चीजें आपको करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको जो भी गलतियां आप कर रहे हैं उनकी रिवीजन करनी है। जब मॉक टेस्ट लगाए हुए क्वेश्चंस की रिवीजन करोगे तो जो मॉक टेस्ट में सही क्वेश्चन कर रहे हो वो तो आपको आते ही है, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो उनको भी आप सीख लोगे इस टाइम पीरियड के दौरान। और ये जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पे नोट्स से रिवाइज करना और मॉक टेस्ट लगाना, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो यही चीजें हैं जो आपका सिलेक्शन इंश्योर कर सकती है, कैसे कम एफर्ट्स में आप ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करना है ना, पेपर देना है, वही तरीका आपको लेना पड़ेगा। और एक और फायदा बताती हूँ, यहाँ पे मॉक टेस्ट जब आप लगा रहे होते हो, किसी भी टीचर के साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो तो टीचर आपको क्वेश्चन बताता है, वो क्वेश्चन रीड करता है, थोड़ा सा हिंट भी आपको दे देता है कहीं कहीं बार, जिससे आप क्वेश्चन क्रैक कर लेते हो। बट जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, वहां पे कोई नहीं होगा, आप होंगे, पेपर होगा और जो आपने पढ़ा है वो होगा, और जो आपने पढ़ा है वो कैसे आप अप्लाई करोगे उस पेपर में, कैसे आप ये मेक श्योर करोगे कि 150 क्वेश्चंस में से मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है, तो वो चीजें आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। जो एनवायरनमेंट आप 10 दिन बाद देखने वाले हो अपने पेपर में, उसकी तैयारी आप आज से ही करोगे, 10 दिन लगातार प्रैक्टिस करोगे, तो वो आप उस एनवायरनमेंट से हैबिचुअल हो जाओगे और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में।
तो ये एक हैक है जहां पे आप कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, स्टिल आप अच्छे से परफॉर्म करोगे वहां पे और एंश्योर कर लोगे कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। ये जेआरएफ की जर्नी और लड़ाई जेआरएफ तक क्लियर करने की, ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, ये उस चीज की लड़ाई है कि आपने जो पढ़ा है क्या आप उसको अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो, क्या जो चीज रिक्वायर्ड है क्या आप वो चीज परफॉर्म कर पा रहे हो पेपर में। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प कर सकती है और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही जेआरएफ अड्डा ने अब लास्ट टाइम पीरियड में, जो लास्ट के 10 से 15 दिन है उन टाइम पीरियड के लिए कॉम्बिनेशन है जो लॉन्च किया है और ये फर्स्ट वन टाइम ऑफर है। ये इसके बाद आपको शायद ही देखने को मिलेगा और नहीं देखने को मिलेगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जून एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा एक काइंड ऑफ हेल्प है जो जेआरएफ अड्डा टीम ने की है। तो आप यहाँ पे पेपर वन के नोट्स ले सकते हैं, पेपर टू के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं जिनके आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ई नोट्स मिल जाएंगे, तो आप ये ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी पेपर वन एंड पेपर टू की, तो कॉमर्स की पेपर वन पेपर टू की कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके पास है और ये सिर्फ और सिर्फ आपको 3,000 रुपए में मिल रहा है। और ये जो 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है ये आपको बहुत ज्यादा रिटर्न है जो आपके एग्जामिनेशन में देने वाली है। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट लगाऊं या ना लगाऊं, तो मैं बोल रही हूँ मॉक टेस्ट परचेज करके लगाना स्टार्ट करो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसी तरीके से पढ़ते हुए चलोगे कि 150 क्वेश्चंस लगाने हैं, देन उनको एनालाइज करना है, फिर उनको रिवाइज करना है, फिर मॉक टेस्ट लगाना है, तो मॉक टेस्ट लगाते चलो। मॉक टेस्ट आपको ऐसा नहीं है कि एक या दो मिल रहे हैं, कंप्लीट 21 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो बहुत हैं। अगर एक दिन में एक लगाओगे तो भी 11 से 15 दिन है तो 15 मॉक टेस्ट लगा पाओगे, एक दिन में दो दो भी आप लगा सकते हो अगर आपको लगता है कि मुझे ज्यादा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और ये वन टाइम नहीं है कि वन टाइम लगाओगे, बार बार आप लगा सकते हो, जितनी आपकी इच्छा है उतनी बार आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, जरूर कंसीडर करिएगा। लास्ट टाइम पे आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन ये हो सकता है, 10 दिन के बाद जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके पास जेआरएफ हो सकता है और नेट हो सकता है जो आपके ड्रीम को परस्यू करने में हेल्प करेगा फर्दर। तो ध्यान से वाइज डिसीजन बनाइए, लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन, ये कॉम्बिनेशन बाय करना चाहते हो तो इन 3 नंबर पे कॉल कर सकते हो, जेआरएफ एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।